हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार फाइनली अटैक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, सुबह ही रिलीज हो गया था, लेकिन मैं उस वक्त ऑफिस में था तो तभी टाइम नहीं मिला। लेकिन अब 11:30 बजे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ रात के, मैं अपने एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर के बारे में क्या बताऊँ। क्योंकि यार पहली तो ये पर्टिकुलर मूवी दो अलग तरह की ऑडियंस को पसंद आएगी। पहली तो वो ऑडियंस जो हॉलीवुड मूवी नहीं देखती है, तो उनको एटलीस्ट बॉलीवुड में कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक्शन मूवी तो यार हमेशा देखते हैं, लेकिन इस बार जो हीरो है सिर्फ एक सोल्जर नहीं है बल्कि सुपर सोल्जर है। सुपर सोल्जर होने के बाद हीरो के अंदर क्या एबिलिटीज आ जाती है वो तो वो लोग उस मूवी में देखेंगे। क्या जो दूसरी ऑडियंस है जो हॉलीवुड की मूवीज देखती है, स्पेशली एमसीयू की, कैप्टन अमेरिका या तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर या तो फिर टर्मिनेटर या तो फिर रोबोकॉप, तो वो लोग चाहते थे कि भाई इस तरह की मूवीज बॉलीवुड में या फिर हमारे इंडिया में भी बने। लेकिन अब फाइनली उनकी विश थ्रू होने जा रही है। पर्टिकुलर मूवी में वो एक्टर देखने को मिला जो कि वैसी पर्सनालिटी रखता है जो रियल लाइफ में भी सुपर सोल्जर से कम है नहीं, यानी कि जॉन अब्राहम। की मूवी कैसी होगी मुझे पता है नहीं, लेकिन जो उसका बीजेम है वो बहुत ज्यादा फाड़ू होगा। और फाइनली अब बॉलीवुड वाले भी समझ गया साउथ वालों को देखने के बाद कि बीजीएम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नॉर्मल से सीन को एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए। और यहाँ पर बीजीएम ने वही सारी चीजें की है। उसके अलावा जिसने भी ट्रेलर एडिट किया उसको भाई मैं थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली बार काफी महीनों बाद, इनफैक्ट सालों बाद को एक ऐसा ट्रेलर देखने को मिला बॉलीवुड का जिसे देखने के बाद कहानी समझ में नहीं आती, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ पर जॉन अब्राहम और उनकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, आपका ये पार्ट वन लोगों को पसंद है और हम जैसे लोगों को कुछ अलग यूनिक देखने को मिले बॉलीवुड में जो कि हम लोग सालों से चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।